नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग HFCL लिमिटेड स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो में बढ़िएगा, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपको हमारे ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं हमारा पोर्टफोलियो कि मैं किस स्टॉक में पोजीशन बनाता हूं, मैं किस स्टॉक को खरीदता हूं, क्या टारगेट रहता है, क्या प्रॉफिट में हूं, क्या लॉस में हूं, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बात करते हैं HFCL को लेकर। दोस्तों सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसकी अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें 39% के करीब की हमें देखने को मिल रही है, और एक कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग, उसकी ओन कंपनी आप कह लीजिए, 50% से ज्यादा होनी चाहिए तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर 50% से होल्डिंग कम है तो बाकी का पैसा 50% किसके पास है, या फिर अगर प्रमोटर 40% ऑन करता है तो 60% हमें देखना ये जरूरी है किसके पास है। अगर वो बड़े प्लेयर्स के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है बड़े प्लेयर के पास, पब्लिक के पास ही सारा माल है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं कि सारा पैसा आखिर है कहां। तो FIs होते हैं दूसरे नंबर के बड़े प्लेयर, तो FIs के पास अच्छा खासा 8% का होल्ड है, यानी कि 39 उनका कह लीजिए, 8% इनका कह लीजिए, है ना। तो हो गया आप लोगों का 50%। उसके बाद आ जाते हैं आपके DIs, तो DIs भी कितना ऑन करते हैं, 6%, तो 6% ये लगा लो 55 हो गया। बाकी बचा पब्लिक के पास कितना है, 47, तो बाकी का पैसा कुछ म्यूचुअल फंड के पास भी है, यानी कि इस कंपनी में 60% पैसा बड़े प्लेयर्स का ही लगा हुआ है, छोटे प्लेयर्स का पैसा 47% है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोटर अपने प्लेज को और ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। प्लेज का मतलब होता है शेयर्स को गिरवी रखना। तो हो सकता है कि भैया इसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो इसलिए इसने गिरवी रख दिया हो, वो फंड को कहीं यूज कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जब तक FIs और DIs बैठे हैं तब तक तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एज पर होल्डिंग, हाँ एक दिक्कत है वो है प्लेज की, बाकी ओवरऑल मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल के बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू देखें कंपनी का, अच्छा खासा रेवेन्यू है, 4,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है आप देख रहे हैं साल के बेसिस पे। तो मंथली बेसिस पे आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना इसका जो है रेवेन्यू होता होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें सब खर्चा करने के बाद तो इनका रेवेन्यू इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। इसके अलावा देख लेते हैं कि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट आखिर है कहां से। तो इनका जो मेन बिजनेस है वहीं से सबसे अच्छी जो सेल्स है वो हमें देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात हमें देखने को यहां पर मिल रही है एक कंपनी के अंदर। अब हम वापस आ जाते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसके कर्जे के ऊपर चले जाते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो कंपनी ने अपना कर्जा नियर अराउंड खत्म करने की पूरी कोशिश जो है वो की हुई है, और 0.24 के करीब कर्जा लेके आए हैं। बहुत कम है ये रेशो, हमेशा इस रेशो को रिस्की तब माना जाता है जब ये एक के ऊपर जो है वो चली जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो फिलहाल के लिए कर्जा ना के बराबर इस कंपनी के ऊपर है। आइए बुक वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू निकल कर आ रही है वो 22 रुपए के करीब निकल रही है, लेकिन इसमें रिजर्व एंड सरप्लस निकालोगे तो हो सकता है आपको 15-12 के करीब भी इसकी वैल्यूएशन देखने को मिल जाए। बुक वैल्यू होती है कल को कंपनी अपना सारा बिजनेस ठप कर देती है, बंद कर देती है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अभी तक जितनी बातें देखी सब कुछ ओके है। अब हम थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर नजर जो है वो घड़ा लेते हैं। तो एज पर बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल 137 करोड़ के करीब है, ये बात का ध्यान रखिए। रिजर्व एंड सरप्लस 3940 करोड़ का है, 2940 करोड़ बहुत अच्छा खासा रिजर्व कंपनी लेके बैठी हुई है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग 110 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग 637 करोड़, तो आप कह सकते हो 800 करोड़ लगा लो मैक्सिमम इनके ऊपर कर्जा है। वहीं ट्रेड पेएबल 878 करोड़ का है, यानी कि ये इन्होंने बिजनेस वगैरह ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिए हैं, अब ये पैसा इन्होंने देना है। उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी 613 करोड़ की, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 12 करोड़ के हैं हमें देखने को मिल रहे हैं।
अब आ जाते हैं इसके एसेट्स के ऊपर। दोस्तों एसेट्स के हिसाब से इनके पास जो करंट इन्वेस्टमेंट है 12 करोड़ की इन्होंने की है। इन्वेंटरी देखिए 757 करोड़ की है। ये क्या होता है? ये होता है इनके पास स्टॉक होगा, कोई एसेट्स कह सकते हो, इन्वेंटरी आप कह सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ये पैसा इनके पास आना है, यानी कि इन्होंने सर्विसेज प्रोडक्ट बेच दिए हुए हैं, अब ये पैसा इनके पास आएगा। कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 322 करोड़ का। जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस दिए हैं वो 21 करोड़ के हैं। अदर करंट एसेट 1081 करोड़ के हैं। दोस्तों एज पर बैलेंस शीट जितनी सारी चीजें देखी हैं, कंपनी कैश रिच है, कोई दिक्कत की बात नहीं देखने को मिल रही है। तो अभी तक जो किया वो हमने किया फंडामेंटल एनालिसिस और शेयर होल्डिंग पैटर्न। फंडामेंटल एनालिसिस में कोई दिक्कत की बात नहीं, एवरीथिंग गुड, ए प्लस की हम रेटिंग देना चाहेंगे। बात करते हैं यहां पे शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में हमें प्लेज की एक छोटी सी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो हमें एफआईस और डीआईस और म्यूचुअल फंड की स्टडी देखने को मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर वो एक रिस्क ले रहे हैं तो हम भी स्टॉक में एक रिस्क जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल बेसिस पे। दोस्तों उसके ऊपर मैं जाऊं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस और आपको नहीं पता है तो आप हमारे मनी मेकर आरएस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस चलाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 13 वीडियो हमने बिल्कुल बेसिक की डाल दी हुई हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो जरूर देखिए, 14th वीडियो आपका आने वाला है। चलिए दोस्तों, एज पर टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, वो है 92 रुपीज 60 पैसा। अगर ये स्टॉक 6 महीने 3 महीने एटलीस्ट ग्रीन कैंडल्स के साथ इस लेवल के ऊपर अच्छे से सस्टेन करे, ये नहीं होना चाहिए एकदम से कैंडल बन जाए 1, 2, 3 और ऊपर निकल जाए, उस केस में हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसके ऊपर जाकर ये इस तरह से ये कंसोलिडेशन, जैसे कि इसने यहां से ये कंसोलिडेशन बनाई है ना, उसी तरह अगर ये 92 के ऊपर ऐसा ही पैटर्न यहां बना दे और उसके बाद जैसे ये अब ऊपर की तरफ निकल रहा है 92 को तोड़ के, वैसे ही एक चैनल पैटर्न बनाने के बाद अगर इसके ऊपर निकले तो हमें एक बाइंग जरूर करनी चाहिए। और उस बाइंग में हम जो अपना फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे वो नियर अराउंड दोस्तों आपका होना चाहिए 768 रुपीज का। जी हाँ, वहीं पे जाके ये रुकेगा, ऐसे ये रुकने का नाम जो है वो नहीं लेगा, इस बात का ध्यान जरूर आप लोग रखिएगा। लेकिन 92.60 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। देखिए अगर आप ये सोचते हैं आपको एकदम से कोई स्टॉक मिल जाए एंट्री के लिए, तो वो नहीं मिलेगा। आपको अपनी रडार पे अपनी वॉचलिस्ट बना के रखनी होगी, किस दिन उसके अंदर ब्रेकआउट आएगा आपको उस दिन उसके अंदर नजर बना के रखनी है। हाँ, अगर इन केस ये स्टॉक एकदम से 2-3 कैंडले बना देता है, इस तरह से ऊपर चल पड़ता है, तो उस केस में आप इसके अंदर अपना 20% कैपिटल जरूर लगा के रख लीजिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है और 2400 से गिरी हुई कंपनी देखने को हमें मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी हमें 20% के साथ भी देखने को मिल जाएगी। रेस्ट अगर ये वापिस आ जाता है और 83 के नीचे चला जाए तो आप 20% को एग्जिट कर दीजिए, लेकिन अगर ये 23 को ब्रेक किए बिना या फिर थोड़ा सा भी 83 के नीचे से होके ऊपर की तरफ आपके लेवल के ऊपर निकले तो आप 80% भी जरूर बाइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में अगर बोलूं बेस्ट प्राइस तो मुझे लगता है 27 पे मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, वहां पे हमें जरूर बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर। अभी के हिसाब से 20% 10% अपनी कैपिटल का लगाना चाहिए। अब ये 20% 10% क्या होता है, सपोज कीजिए अगर आप इस स्टॉक में 1 लाख लगाना चाहते हैं तो अभी के हिसाब से आपको सिर्फ 20,000 ही लगाने चाहिए, बाकी वेट करना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन करता है एंड फिर रन करता है तब आपको 80% कैपिटल लगानी चाहिए। अभी के हिसाब से जिनके पास है उनको क्या स्टॉप लॉस लेना चाहिए, देखिए अगर आपने फंडामेंटली स्टॉक को लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, आप बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप 83 रुपीस का भी लगा सकते हो, उससे बड़ा लगाना चाहते हो तो 61 का लगा लीजिए। लेकिन जब हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी ब्रेकआउट के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके फंडामेंटल को देखते हुए ऑन एवरेज हमें बाइंग करनी चाहिए कि भैया नीचे गिरेगा तो मैं एवरेज करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, एंड मनी मेकर चैनल को भी जरूर फॉलो करें जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। आपके साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा हो सके तो कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, एंड ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क